नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो अफगानिस्तान को हराने के बाद अब बांग्लादेश की बारी है, जहां टीम इंडिया सुपर 8 में अपना अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाली है। और इंडिया और बांग्लादेश दोनों टीमों का सुपर 8 में ये दूसरा मुकाबला होगा। तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये मैच खेला जाएगा 22 जून को एंटीगा के नॉर्थ साउंड सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में, इंडियन टाइम के हिसाब से रात में 8 बजे से, यानी कि 8 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूँ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच के लिए सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है, जबकि इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा इस मैच में सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि इस मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूँ। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप टी20 वर्ल्ड कप 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सभी मैचेस की फाइनल पिच रिपोर्ट, मैच प्रेडिक्शन और फाइनल फैंटेसी टीम पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मैच के लिए सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट टी20 इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो जो लास्ट 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस यहां पर हुए हैं उनमें से 2 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 3 मैच सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 115 रन्स का है, तो वहीं एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 97 रन्स का रहा है। तो आप इन लास्ट 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम की पिच पर जिस टीम ने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को थोड़ा ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसी वजह से चेस करने वाली टीम्स ने इस मैदान पे थोड़े ज्यादा मुकाबले जीते हैं। सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम की पिच एक बैलेंस्ड पिच है। इस पिच से गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों को भी काफी मदद मिलती है। इस पिच पर अच्छा पेस और बाउंस देखने को मिलता है, तो इस पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके बल्लेबाज अपने शॉट्स काफी आसानी के साथ खेल पाते हैं। इसके अलावा पेस एंड बाउंस की वजह से तेज गेंदबाज भी इस पिच पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। यही कारण है कि आपको इस मैदान पर जनरली मीडियम स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। इस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के जो 6 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उनमें से 4 मुकाबले सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और सिर्फ 2 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। जो 4 मुकाबले चेस करने वाली टीम्स ने जीते हैं उन सभी मैचेस में आपको फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 150 के आसपास या फिर 150 के नीचे का देखने को मिला था, जो कि आसानी के साथ चेस हो गया था। तो वहीं जो 2 मुकाबले फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं उनमें से 1 मैच में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 190 के ऊपर बना था, जो कि सक्सेसफुली डिफेंड हो गया था। तो इस आंकड़े से ये बात साबित हो जाती है कि यहाँ पर हाल फिलहाल में चेस करने वाली टीम्स को ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है और ये मुकाबला भी आपको मीडियम स्कोरिंग देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि अगर इस पिच पर टीम इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी तो आपको पहली पारी का स्कोर 180 से 190 के बीच देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर बांग्लादेश की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करती है तो आपको पहली पारी का स्कोर 150 के आसपास या फिर 150 के नीचे का देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम बहुत बड़ा मैदान नहीं है, यहाँ पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 67 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 61 मीटर्स की है और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 74 मीटर्स की है। इसके अलावा दोस्तों मुझे लगता है कि अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है
तो उनको पहली पारी में कम से कम 180 के आसपास या फिर 180 के ऊपर का स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाएगा तो चेस करना काफी मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 150 के आसपास या फिर 150 के नीचे बनता है तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। ओवरऑल पिच कंडीशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैचों के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो साउथ अफ्रीका का है यूएसए के खिलाफ 194 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल ओमान का है इंग्लैंड के खिलाफ 47 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है नामीबिया के खिलाफ 74 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो इंग्लैंड ने किया है नामीबिया के खिलाफ 122 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 37 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं जबकि 21 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 30 विकेट्स लिए हैं जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 7 विकेट्स मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 2 विकेट लिए हैं, इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 13 विकेट्स मिले हैं, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 6 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन लास्ट 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है, इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं। खास तौर पर जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है, नई गेंद स्विंग भी करती है जबकि उनको पिच से सीम मूवमेंट और काफी अच्छा बाउंस भी मिलता है। इसी वजह से दोनों पारियों के पावर प्ले ओवर्स में फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव साबित होते हैं। और इस मैच में भी जिस टीम के तेज गेंदबाज शुरुआती 6 ओवर्स में सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे वो आपको 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पिच ड्राई होने के साथ साथ थोड़ा स्लो भी हो जाएगी, जिस वजह से मिडिल ओवर्स में वो तेज गेंदबाज भी काफी इफेक्टिव साबित होंगे जो वेरिएशंस का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे यानी कि ऑफ कटर्स और स्लोअर डिलीवरीज फेंकेंगे। इसके अलावा मिडिल ओवर्स में इस पिच से स्पिनर्स को भी काफी ग्रिप और टर्न मिलती है जिसके कारण इस मैदान पर स्पिनर्स भी काफी ज्यादा विकेट्स चटका चुके हैं। खास तौर पर लेग स्पिनर्स इस पिच पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुए हैं और इस मैच में इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही टीमों के पास कुछ बेहतरीन क्वालिटी के रिस्ट स्पिनर्स मौजूद होंगे जो कि डोमिनेट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को इंक्लूड करना चाहिए और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 2 स्पिनर्स में आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले टीम इंडिया की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो आपको इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कप्तान रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली, नंबर 3 पर आ सकते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव जो कि इस समय बेहतरीन फॉर्म में है, जबकि नंबर 5 पर आएंगे शिवम दुबे, इसके अलावा नंबर 6 पर वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या, जबकि नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर अक्षर पटेल, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह आ सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बांग्लादेश की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको बांग्लादेश की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे तंजिद हसन के साथ विकेट कीपर बल्लेबाज नितिन दास, नंबर 3 पर आ सकते हैं कप्तान नजमुल हुसैन शांतो, नंबर 4 पर ऋषाद हुसैन, नंबर 5 पर तौहिद हिदोय, नंबर 6 पर शाकिब अल हसन, नंबर 7 पर महमूदुल्ला रियाद, नंबर 8 पर मेहदी हसन, नंबर 9 पर तस्किन अहमद, नंबर 10 पर तंजिम हसन साकिब और नंबर 11 पर मुस्तफिजुर रहमान आ सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें
तो क्रिकेट के इतिहास में इंडिया और बांग्लादेश के बीच अभी तक 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से इंडिया ने 12 मैचेस जीते हैं, तो वहीं बांग्लादेश की टीम इंडिया के खिलाफ सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल मैच जीत पाई है। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड्स की। तो T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इन दोनों टीमों का आमना सामना 4 मैचेस में हुआ है और सभी 4 मैचेस टीम इंडिया ने जीते हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जो पिछले 2 मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, वो दोनों मुकाबले काफी ज्यादा रोमांचक रहे थे, जहां 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को मात्र 5 रनों से हराया था, वो भी DLS मेथड से। तो वहीं 2016 के T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने मात्र 1 रन से जीत हासिल करी थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो बांग्लादेश ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, उसमें से 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ इंडिया ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, सभी मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करी है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें, तो आप बांग्लादेश की तरफ से तौहिद हिदोय के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 231 रन बना चुके हैं 25 के एवरेज और 124 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप तंजित हसन को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 178 रन बना चुके हैं 22 के एवरेज और 123 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव के साथ जा सकते हो, जो कि पिछले 2 मैचेस में बैक टू बैक अर्धशतक लगाकर आ रहे हैं। पिछले 7 मैचेस में 273 रन बना चुके हैं 45 के एवरेज और 145 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप कप्तान रोहित शर्मा को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 197 रन बना चुके हैं 39 के एवरेज और 140 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले बांग्लादेश के बॉलर्स की बात कर लें, तो यहां से आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मुस्ताफिजुर रहमान के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 20 विकेट्स ले चुके हैं 5 की इकोनॉमी और 11 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राइट आर्म लेग स्पिनर रिशाद हुसैन को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 14 विकेट्स ले चुके हैं 6 की इकोनॉमी और 14 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप इंडिया की तरफ से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह के साथ जा सकते हो, जो कि इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले 9 मैचेस में 16 विकेट्स ले चुके हैं 7 की इकोनॉमी और 12 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 9 विकेट्स ले चुके हैं 5 की इकोनॉमी और 14 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप इंडिया की तरफ से राइट आर्म फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को फैंटेसी 11 में जरूर रखना, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में 8 विकेट्स लिए हैं और हर मैच में बेहतरीन इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हैं। और अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो एक तरफ टीम इंडिया है, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में अनबीटन है। भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज के 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं और एक मैच बारिश की वजह से नो रिजल्ट रहा था। इसके अलावा सुपर 8 के अपने पहले मैच में भी भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को हराया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम है, जिसने ग्रुप स्टेज के अपने 4 में से 3 मुकाबले जीते थे और एक मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा बांग्लादेश को सुपर 8 के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हार झेलनी पड़ी थी। अब यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के नजरिए से, क्योंकि अगर किसी भी टीम को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है तो उनको सुपर 8 में कम से कम 2 मुकाबले जीतने होंगे। अब भारतीय टीम सुपर 8 का अपना पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ जीत कर आ रही है, तो ऐसे में अब टीम इंडिया के लिए राह थोड़ी आसान है। लेकिन बांग्लादेश की टीम सुपर 8 का अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गई थी, इसी वजह से बांग्लादेश के लिए अब आगे आने वाले मुकाबले करो या मरो के जैसे होंगे, तो प्रेशर इस समय बांग्लादेश के ऊपर काफी ज्यादा है। वैसे अगर आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे, तो हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बांग्लादेश के मुकाबले काफी ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रांग दिखाई दे रही है और इंडिया इस समय बेहतरीन फॉर्म में भी है। तो इसी वजह से दोस्तों मुझे लगता है कि इस मैच में भारतीय टीम के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है
और ऐसे में इस मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो एक बार फिर से टीम इंडिया के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 का मैच नंबर 7 जीतेगी, इंडिया या फिर बांग्लादेश? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।